तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ टमाटर तोड़ने के लिए। टमाटर जो है वो लाल नहीं हुए, तो ये छुरी ये अब देखो हम 2-3 बचते हैं कि नहीं। मुझे तो लग रहा है लोग तोड़ के ले गए होंगे। और आज मैं रेसिपी भी बताऊंगा आपको भिंडी की, छोटी छोटी भिंडी पकाने की कैसे बनाई जाती है। वो गर्मी भी अजीब है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और ये है जी मूंजी की फसल लगी हुई है, जो धान की फसल है। तो चलते हैं, ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं भिंडी तोरी को, कितने कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। ये देखे छोटी छोटी भिंडियाँ लगी हुई हैं, छेट छेट इसमें तो बड़ी भी लगी हुई है, वो इसमें तो 2-3 लगी हुई हैं। मुझे भूल गया इस ये तोड़ना, अभी देखते हैं चिब्बड़ लगेगा नहीं हुए। चिब्बड़ भी लगे हुए हैं, ये देखें चिब्बड़, ये है चिब्बड़, इसको बोलते हैं चिब्बड़। पेंडू लोग तो जानते होंगे, अभी उर्दू में पता नहीं और इंग्लिश में पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, पंजाबी तो में इसको चिब्बड़ ही बोलते हैं। और जो खाता है ना इस कंडीशन में उसको बुखार हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा फूल है भिंडी का, कुत्ता भी घूम रहा है यहाँ पे, एक कहीं काट ना ले। कुत्ता दिखाऊँ आपको, चीते जैसा है। ये देखें यार, ये भी भिंडी लगी हुई थी, ये नज़र ही नहीं आई मुझे। अभी तोड़ के लेके जाता हूँ इनको मैं, अभी गुजर के जाना पड़ेगा, पानी लगा हुआ है उधर, पाँव जो है वो फिसल रहा है। ये लगा हुआ है पुदीना, ये लगे हुए हैं हमारे टमाटर, अभी देखते हैं कि कैसे हैं ये। छुरी के बगैर ही तोड़ता हूँ। तोड़ो के ले गया बंदा पहले इसमें, तो ये देखना यहाँ पे काफ़ी टमाटर लगे हुए थे, कोई बंदा तोड़ के ले गया यहाँ से। अंडे खुबानी जैसे लग रहे हैं, छोटे भी तोड़ लेता हूँ, ये कौन सा बड़े होंगे। पेठे कद्दू की, एक और कुत्ता निकला है यहाँ से, ये देखें जी। तो इतनी जो है वो भिंडियाँ मिली हैं मुझे, देख ले। भिंडी का प्याज फ्राई हो रहा है, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और ये जो मैं टमाटर लेके आया था, और इसके अंदर है सब्ज मिर्च पीसी हुई, थोड़ी देर के बाद ये डालेंगे। तो ये जी अभी मेरे ख्याल में मसाला जो है वो मेरा तैयार हो गया, अभी इसमें भी डालते हैं भिंडी, ताज़ा सब्जियां बिल्कुल देखें अभी ताज़ा माशाल्लाह। और हल्की आंच करके 10 मिनट के लिए इसको दम देंगे, 8 से 10 मिनट के लिए, तो आपकी भिंडी होगी तैयार। जैसे परदेसी सऊदी अरब से अपने घरों में आते हैं, तो फिर बेगमों की यही फरमाइश होती है कि जी आप अपने हाथ से बना कर लाएं, जो उसे दोस्तों खिलाते थे। अभी हमारा काम यही रह गया, ये भी रख दिया, और पसीने का हाल, बिजली चली गई है, अभी हांडी जो है वो दम पर रख दी गई है। अभी कपड़े से कितने मेरे गीले हो गए, कुछ टमाटर तोड़ के लाया था इसलिए, और सरसों का तेल भी ख़त्म हो गया है, और जमसम की बोतल हम सरसों के तेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लो जी घर की रोटी, भिंडियाँ चेक करते हैं, गिर गए। ये है जी भिंडियाँ, की हो गया दलिया। अच्छा दलिया। ये हमने बनाया है ये दलिया गाय के लिए, हमारी ताज़ा जो गाय है उसने बछड़ा दिया है, बस डे हुई इसकी, अब उसके लिए ये दलिया बना हुआ अभी गर्म है, शाम को ये भी डालेंगे, ये बीमार लोग भी खाते हैं। अभी चारा जो है वो टोके के ऊपर काटते हैं, ये टिंड भी आ गई इसमें, टिंड का व्लॉग भी आपको इसमें शामिल करके दिखाऊँगा। यहाँ पर पड़ा हुआ टकोरा, ये छुरियाँ तेज़ करते हैं इसकी, ये दूसरी टिंड, ये सिंगल टिंड, ये ट्विन्स टिंड, पर 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 अब करनी है ये छुरियाँ तेज ऐसे में रख के।
लो चारा कट गया टुक के अंदर, ये पड़ा हुआ है, सांस भी चढ़ गई है। अभी भैंसें जो हैं गाय तैयार हैं, अभी इसको चारा डालते हैं। जी प्रहो, अभी गाय को पानी पिलाएंगे। ये है जी पिंक साल्ट, हम लोग अपनी गाय को खिलाते हैं और दुनिया जो है पिंक साल्ट की दीवानी है, कहते हैं कि बहुत अच्छा नमक है ये। भाई की कर रहे हो तुसी, दलिया का की हाल करता? ओए बंदे वाले काम करो, ओए इंसान बनो। लो जी ये दलिया जी, अभी गाय को डालेंगे। हाँ बेटो में इतने नहीं खाती अबू, इतने नहीं खाती। पानी नहीं पीता इन्हें। मुर्गियां भी खा रही हैं। ये है जी दलिया, मजेदार मीठा। अब ये भी चक्कर में है कि ये दलिया आगे खा लें।